हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कुछ थेराप्यूटिक बेनिफिट्स के बारे में वाइब्रेशन को लेकर। वाइब्रेशन थेरेपी को एक इफ़ेक्टिव थेरेपी माना गया है ऑटिज़म के लिए या और डिसेबिलिटीज़ के लिए भी, क्योंकि जो और डिसऑर्डर्स रहते हैं हर एक तरह की स्पेशल, अगर आपका बच्चा स्पेशल नीड्स किड है तो उसे वाइब्रेशन थेरेपी हेल्प कर सकती है। और वो कौन सी चीज़ें हैं जिसमें वाइब्रेशन थेरेपी हेल्प करती है, इस बात को भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। अगर बच्चों को हम वाइब्रेशन थेरेपी देते हैं तो वो किस तरह से देनी है और घर पर कैसे देनी है और इसके क्या एडवांटेजेस रहते हैं, उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। ये बच्चे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग हमें देनी पड़ती है। और अगर हम उसे गलत तरीके से दे रहे हैं या गलत बार दे रहे हैं, ज़्यादा बार दे रहे हैं या कम बार दे रहे हैं, तो उसमें उसका कोई बच्चे को कोई बेनिफिट नहीं होता उस चीज़ का। तो ऐसे में हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि हमारे बच्चे को कितना वाइब्रेशन चाहिए और उसे किस तरह से एक्चुअली देना है। लेकिन उसके साथ ही हमें जानना ज़रूरी है कि हमारे बच्चे को वाइब्रेशन की नीड है भी है या नहीं, क्योंकि कुछ एक चीज़ें या कुछ एक सिम्टम्स होते हैं जिस पर हमें वाइब्रेशन बहुत अच्छा वर्क करता है, जिस पर हमें वाइब्रेशन की ज़रूरत रहती है कि बच्चों को वाइब्रेशन देना है। वो कौन से सिम्टम्स हैं जिस पर हमें तय करना है कि हमारे बच्चे को वाइब्रेशन थेरेपी की ज़रूरत है। सबसे पहले, वाइब्रेशन उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जिन्हें स्टीमिंग के बिहेवियर्स रहते हैं। स्टीमिंग का मतलब होता है कुछ ऐसे बिहेवियर्स जो बच्चे रिपीटेडली करते हैं, बार बार करते हैं, लगातार करते हैं, चाहे वो हैंड टैपिंग है या फिर जंपिंग करना, स्पिनिंग करना, रोटेट करना या फिर वर्बल स्टीमिंग के इश्यूज़। ये सब इश्यूज़ जो हैं वो बच्चों में उनके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को बहुत अफेक्ट करते हैं। बच्चे उस हिसाब से डेवलप नहीं हो पाते, उनकी लर्निंग उस हिसाब से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बच्चों की जो स्किल्स हैं बाकी के वो काफ़ी अफेक्ट होते हैं। ऐसे में बच्चों को वाइब्रेशन बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वाइब्रेशन जब बच्चों को उनकी पूरी बॉडी पर दिया जाता है या फिर उन्हें एक फिक्स टूल के साथ में दिया जाता है, दो तरह से देते हैं हम वाइब्रेशन बच्चों को। तो ये दो तरह से आप जो चूज़ करेंगे, स्टीमिंग के लिए हम ज़्यादातर होल बॉडी वाइब्रेशन को यूज़ करते हैं। अगर बच्चे को इश्यूज़ जंपिंग के हैं या स्पिनिंग के हैं, इन बिहेवियर्स को डील करने के लिए हम बच्चों को होल बॉडी वाइब्रेशन देते हैं। नॉर्मली वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की रेंज 5 to 40 Hz होती है। होल बॉडी वाइब्रेशन बच्चों को एक वीक में 3 या 4 बार दिया जा सकता है 10 से 15 मिनट के लिए। अगर आपका बच्चा सेंसी सीकर है तो उसको रिलैक्स करने के लिए भी यह एक अच्छी टेक्निक है, जो कि काफ़ी इफेक्टिव भी रहता है बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चों को स्टीमिंग के बिहेवियर्स की जो रूट कॉज रहता है, बहुत से लोग जानते हैं ये कि प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट जो हमारा रहता है, जो हमारे जॉइंट और मसल्स में होता है, वो एक कारण होता है। और वो इनपुट मिलना बॉडी को बहुत ज़रूरी होता है। जब ये इनपुट कहीं कम रह जाता है तो बच्चे से सीख करने के लिए ये सब बिहेवियर्स करते हैं और स्टीमिंग उनमें से एक है। ऐसे में वाइब्रेशन देकर बच्चों को हम प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट देते हैं जिनकी उन्हें क्रेविंग रहती है, और बच्चे खुद ब खुद वो बिहेवियर उनमें कम होने लगता है। जिन बच्चों को कंसंट्रेशन को लेकर इश्यूज रहते हैं, उनमें भी वाइब्रेशन हेल्प करता है बच्चों को वो इनपुट देकर, जिससे कि बच्चे किसी चीज़ पर अच्छे से फोकस कर पाएँ। जितनी ज़्यादा बार हम बच्चे की मसल्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, बच्चे उतना ही ज़्यादा उस चीज़ को यूज्ड हो जाते हैं, बच्चे किसी चीज़ पर ध्यान देना शुरू करते हैं और नए स्किल्स को सीखने लगते हैं। वाइब्रेशन बच्चों के प्रोप्रोसेप्टिव सिस्टम को भी अवेकन करने का काम करता है। प्रोप्रोसेप्टिव सेंस हमारी मसल्स और जॉइंट्स में रहती हैं, जिसे अवेकन करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम अगर वाइब्रेशन तो अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो वाइब्रेशन से बच्चों को इनपुट बैठे बिठाए मिलता है। आप देख रहे हैं कि मसल्स, जहाँ पर मसल्स के एरिया है, हमें बोन्स को नहीं लेना है, हमने सिर्फ मसल्स जहाँ पर रहती हैं। जब बच्चे को हैंड फ्लैपिंग के इशू तो उनके हैंड्स पर, या जो बच्चे आर्म्स को फ्लैप करते हैं उनकी आर्म्स पर दिया जा सकता है, लेकिन हम उस एरिया पर देंगे जहाँ पर मसल्स रहती हैं, जॉइंट्स को हम अवॉइड करेंगे। इसके अलावा हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि उन्हें शांत करती है, उनकी बैक को रिलैक्स करने के लिए उनकी नेक के आसपास उन्हें दिया जा सकता है, उनकी बैक एरिया पर स्पाइन को बचाकर दिया जा सकता है, या फिर ऐसी जगह किसी भी बॉडी पार्ट पर जहां पर मसल्स हैं, बोन नहीं है, उस जगह पर यह काफ़ी इफेक्टिव रहता है। इससे बच्चों को वही इनपुट मिलता है जो सेंसरी एक्टिविटीज़ के साथ बच्चों को मिलता है। दूसरा जो हेल्प करती है वाइब्रेशन, वो हेल्प करती है उन बच्चों के लिए जिनके मसल टोन वीक रहते हैं, जिनको लोअर मसल टोन की प्रॉब्लम रहती है, बच्चों को हैंड्स मूवमेंट में प्रॉब्लम है या फिजिकल मूवमेंट में भी प्रॉब्लम है। स्पेशली सीपी बच्चे जो होते हैं, उन्हें होल बॉडी वाइब्रेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं उनकी मसल्स में जान डालने के लिए। और उन सब जो बच्चे जिन सेंसेस को यूज़ नहीं कर पाते, जिनके लिए अवेयर नहीं होते हैं,
वो अवेयरनेस भी वाइब्रेशन के थ्रू उन्हें मिलनी शुरू होती है और बच्चे सही से पेंसिल को पकड़ना या अपने डेली रूटीन के काम सही से कर पाते हैं। यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि जो बच्चे सीपी रहते हैं उनमें मोबिलिटी को लेकर इश्यूज़ होते हैं, बच्चों को पोस्चर में खड़े होने में, उनकी गेट में, उनकी चाल में, चलने में उन्हें और एक अच्छा सिटिंग पोस्चर देने में या स्टैंडिंग पोस्चर देने में भी काफ़ी मुश्किलें आती हैं। ऐसे में वाइब्रेशन थेरेपी उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन हम उसे टेक्निक से देंगे ताकि बच्चे को उसका पूरा बेनिफिट मिले। कुछ बच्चों में स्टिफनेस के इश्यूज़ रहते हैं, जो बच्चे जिनकी बॉडी में अकड़ाहट रहती है वो लिमिटेड सी अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं, सभी मसल्स को यूज़ नहीं करते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी में स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है। हमें लगता है कि हमारा बच्चा एक रेपिटेटिव मूवमेंट्स जो बच्चे करते हैं उनमें भी ये चीज़ें आगे चलकर शुरू हो जाती हैं। हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि अगर बच्चे में स्टिफनेस आती है, वो लचीलापन उसमें कहीं ना कहीं जो हो रहा है, जिसकी वजह से उसका असर उसकी मोबिलिटी पर पड़ेगा और उसके पोस्चर, उसकी चाल पर पड़ सकता है। ऐसे में हमें बच्चों की स्टिफनेस को कम करने में भी वाइब्रेशन थेरेपी बहुत हेल्प करती है। कुछ बच्चों को लोअर मसल टोन की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से बच्चे कई काम अब सही से कर नहीं पाते हैं। ऐसे में बच्चों को कुछ इस पोस्चर में बिठाना, वाइब्रेशन मशीन के ऊपर होल बॉडी वाइब्रेशन देना यूज़फुल रहता है। इसके अलावा कुछ बच्चों को बॉडी की अवेयरनेस नहीं रहती है, स्पेस में कहाँ पर हैं, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी हाइपर भी रहते हैं। हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए, उन्हें रिलैक्स रखने के लिए और उन्हें वो वेस्टिबुलर और प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट देने के लिए भी वाइब्रेशन थेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं कि जो बच्चे मूवमेंट नहीं करना चाहते, हिलते डुलते नहीं हैं या एक ही जगह पर बैठना पसंद करते हैं, उन्हें बैठे बिठा ही वो इनपुट आप वाइब्रेशन के थ्रू दे सकते हैं, जो हम दूसरी एक्टिविटीज़ के साथ में देते हैं। हाइपर सेंसिटिव बच्चों के लिए भी ये यूज़फुल होती है अगर इसे ध्यान से दिया जाए। कोशिश करें कि इसकी एडजस्टमेंट टूल की इस तरह से करें कि बच्चे कंफर्टेबल रहें। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि वाइब्रेशन थेरेपी एक सोमेटो सेंसरी इनपुट है, जो कि हमारी बॉडी की सेंसेस को स्टिमुलेट करने का काम करता है। दो रीजन रहते हैं हमारी सेंसेस के, एक तो हम किस तरह से इनपुट जो हमारे अंदर जा रहा है हम ले रहे हैं बाहर से, और एक इनपुट जो हमारा ब्रेन इंटरप्रेट कर रहा है, उसे प्रोसेस कर रहा है उस इन्फॉर्मेशन को। जो सेकंड हमारा जो रहता है रीजन, वो इस चीज़ के लिए रहता है कि ब्रेन हमारा सेंसरी इन्फॉर्मेशन को किस तरह से प्रोसेस कर रहा है, उस प्रोसेसिंग को सही करने में वाइब्रेशन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वाइब्रेशन थेरेपी उन बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है जिन्हें हाई प्ले पेन टॉलरेंस है, जिन्हें टच का एहसास नहीं होता है, जिन्हें पेन का एहसास नहीं होता है, टेम्परेचर का पता नहीं चलता है। ये सब चीज़ें वाइब्रेशन थेरेपी उन्हें कम करने में, उनकी सेंसिटिविटी को कम करने में या उनकी टेक्टाइल इश्यूज़ को कम करने में बहुत हेल्प करती है। अलावा कुछ बच्चों को, जो अगर आपका बच्चा स्पेशल नीड किड है, तो कुछ ऐसी उसकी प्रॉब्लम्स रहती हैं। ओरल मोटर की बात यहाँ करूँगी, अगर बच्चे को खाने को लेकर इश्यूज़ हैं, आपका बच्चा पिकी ईटर है, तब भी वाइब्रेशन टूल्स उसको हेल्प करती हैं। हाइपर एक्टिव बच्चों को बताया जाता है कि 3 से 4 बार उसे वाइब्रेशन ब्रश देना ज़रूरी है। इसके अलावा स्पीच में क्लियरिटी का ना होना या फिर स्पीच का ना होना भी, उस सिचुएशन में भी वाइब्रेशन ब्रश को यूज़ किया जाता है और वाइब्रेटिंग टूल्स को यूज़ किया जा सकता है। ऐसे टूल्स को यूज़ करने से भी बच्चों में उनकी क्लैरिटी अच्छी होती है, स्टैमरिंग कम होती है, साफ स्पीच के डेवलप होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। इसके साथ ही जिन बच्चों को ड्रूलिंग को लेकर प्रॉब्लम होती है, उनको लिप बंद करके वाइब्रेशन देना, उनकी उन मसल्स को अवेयर करना, जिससे कि बच्चों में ड्रूलिंग की समस्या को कम करने में हेल्प मिलती है। इसके साथ ही बच्चों को अपनी माउथ की अवेयरनेस होती है। ये चीज़ें बच्चों को खाने में, उनकी स्पीच में बहुत प्रॉब्लम कर सकती हैं, इसीलिए इसे ठीक करने में, इसे ट्रीट करने में वाइब्रेशन थेरेपी का बहुत बड़ा हाथ रहता है। बहुत से बच्चे जिन्हें ओरल मोटर इश्यूज रहते हैं, जिन्हें खाने को लेकर समस्याएं हैं, या फिर जो हर चीज़ मुंह में लेते हैं, या जिन्हें वर्बल स्ट्रीमिंग के इश्यूज़ हैं, या स्पीच को लेकर डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनमें भी वाइब्रेशन काफ़ी हद तक हेल्प करता है। वाइब्रेटिंग टूथब्रश के साथ में बच्चों को इंटरनल एरिया की मसाज करना काफ़ी यूज़फुल रहता है। कई बार बच्चे अपनी माउथ की मसल्स को लेकर अवेयर नहीं रहते हैं, मुंह खुला रखते हैं, ड्रूलिंग की समस्याएं देखी जा सकती हैं, ऐसे में भी वाइब्रेशन काफ़ी हेल्प करता है। बच्चों को लिप क्लोजर की एक्टिविटीज़ करवाना और साथ ही उन्हें वो इनपुट देना ड्रूलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करता है। वाइब्रेशन टूल्स में हैंड मसाजर बहुत हेल्प करता है। हैंड मसाजर से बच्चों को वो इनपुट मिलता है जिनकी उन्हें क्रेविंग रहती है। जो बच्चे हैंड स्टीमिंग के बिहेवियर जिनमें बहुत कॉमन रहते हैं, उनके लिए बहुत यूज़फुल है। हैंड मसाजर को हम उस एक टारगेट पर
कर सकते हैं यूज़ जहाँ पर उसकी ज़रूरत है उसको। हैंड फ्लैपिंग के इश्यूज़ के लिए स्पेशली बच्चों के हैंड्स पर वाइब्रेशन देना और उसके उस टारगेट एरिया पर काम करना जहाँ पर आपको लगता है कि आपके बच्चे को इश्यूज हैं, क्योंकि सही पोस्चर ना होने की वजह से भी कई बार बच्चे पेन फील करते हैं। ऐसे में बच्चों के नेक को रिलीव करने के लिए उन्हें वाइब्रेशन दिया जा सकता है ताकि बच्चे रिलैक्स रहें, क्योंकि उनका रिलैक्स रहना उनकी लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही वाइब्रेशन हेल्प करता है जो बच्चे लो फील करते हैं या जो बच्चे अलर्ट नहीं रहते हैं लर्निंग के लिए, टायर्ड लगता है आपको, थके हुए हैं या ऐसा लगता है कि बहुत सुस्त है, उन बच्चों के लिए ये वाइब्रेशन थेरेपी बहुत यूज़फुल रहती है। वाइब्रेशन का इफेक्ट अलर्टिंग भी होता है बच्चों के लिए कामिंग होने के साथ साथ, क्योंकि जो बच्चे जिनमें लो अराउजल रहता है उनके लिए भी वाइब्रेशन काफ़ी हेल्प करता है। इसके साथ ही बच्चों को रिलैक्स करने के लिए भी, जो बच्चे शांत नहीं होते हैं, लगातार गुस्सा रहना है या जिनमें बहुत ज़्यादा मेल्टडाउन के इश्यूज़ हैं, उन बच्चों के लिए वाइब्रेशन बहुत हेल्प करती है, क्योंकि बच्चों को रिलैक्सेशन मिलती है इससे, उनके जो नर्वस सिस्टम है उसको रिलैक्सेशन मिलती है और बच्चे खुद ब खुद शांत होने लगते हैं। या मैं कहना चाहूँगी कि जो बच्चे जो हम हैवी वर्क एक्टिविटीज़ बच्चों को देते हैं प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट के लिए और बच्चों को पुलिंग पुशिंग की एक्टिविटीज़ देते हैं, उनकी जगह पर ये एक अच्छा अल्टरनेटिव रहता है, ऑप्शन रहता है, जो बच्चे हिलना डुलना पसंद नहीं करते या जो मूवमेंट पसंद नहीं करते हैं उनके साथ में। लेकिन अगेन जब हम अगर आपका बच्चा टैक्टाइल डिफेंसिव है तो हम जब वाइब्रेशन भी देंगे तो उसे उस हिसाब से देंगे कि बच्चे को उससे ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, क्योंकि बच्चे इन चीज़ों से बहुत डरते हैं, खासकर जिसमें कोई सडन मूवमेंट होती है। तो ऐसे में हमें कोई भी इक्विपमेंट बच्चों के साथ यूज़ करना है तो हमें बहुत ध्यान से करना। आप घर पर ही बच्चों को वाइब्रेशन थेरेपी दे सकती हैं, वाइब्रेशन बच्चों को बहुत हेल्प करता है। इसके साथ ही यह बॉडी अवेयरनेस को बढ़ाता है, जिन लोगों बच्चों को पोस्चर पुअर रहता है या बॉडी अवेयरनेस नहीं रहती, लो अराउजल रहता है, ये सब डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं जिसकी वजह से बच्चे सही से खड़े नहीं हो पाते हैं और अपने सेंसेस की जानकारी अवेयरनेस कम रहती है बच्चों को, वो सब चीज़ों में वाइब्रेशन बहुत हेल्प करती है। तो ये सब चीज़ें अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हर एक इशू का सोल्यूशन वाइब्रेशन के थ्रू हमें मिल सकता है, लेकिन हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि हमारे बच्चे को कितनी वाइब्रेशन की ज़रूरत है और किस एरिया पर उसे वाइब्रेशन चाहिए। बच्चों को वो अवेयरनेस लाने में उनमें और उन्हें सेंसिटिविटी के इशू से डील करने में, उनके स्टिमी के बिहेवियर को कम करने में और उनके माइंड को रिलैक्स करने में। तो इस तरह से ओवरऑल देखें तो वाइब्रेशन के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, लेकिन अगर उसे हम सही तरह से यूज़ किए करें। इसके अलावा एक चीज़ और कि कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि क्या वाइब्रेशन को घर पर यूज़ किया जा सकता है। आप जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं उसके साथ आप घर पर वाइब्रेशन को ईजिली यूज़ कीजिए कि आप देखिए कि बच्चे पर उसका कितना असर हो रहा है या उसे कितनी ज़रूरत है। ये आपकी ऑब्जर्वेशन पर निर्भर होता है, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, डिफरेंट है, इसीलिए ज़रूरी है आपका उसको पूरी तरह से ऑब्जर्व करना कि आपके बच्चे को कितना रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से ही वो इनपुट देना। कि वाइब्रेशन थेरेपी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव इंटरवेंशन हो सकता है अगर आपके बच्चे को कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं तो। तो ये सब चीज़ें वाइब्रेशन थेरेपी के बारे में जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।